एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। मजबूरन राज्य आंदोलनकारियों को सड़कों पर आने के लिए विवश होना पड़ रहा है। लंबे समय से चिन्हितीकरण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने इस दौरान बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें पहले ही रोक दिया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि आज भी उन राज्य आंदोलनकारी को चिन्हित नहीं किया गया है जिन्होंने वास्तविकता में राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया। आज उन्हें लाभ मिल रहा है जो कि सिर्फ कागजों में आंदोलनकारी हैं। इसी के चलते हमारी मांग है कि सरकार वास्तविक राज्य आंदोलनकारी का चिन्हितीकरण करे और शीघ्र आरक्षण को भी जल्द लागू करे। जिस पृथक उत्तराखंड के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो आज भी जस की तस है। और सबसे मेन मांगे इसमें एक ये है कि पेंशन में वृद्धि की जाए। जो मेन मांगे हैं, पेंशन पट्टा, इसको ये आप अनुदान के रूप में दे रहे हैं, ये ना कि पेंशन दे रहे हैं। ये एक पेंशन पट्टा किया जाए इसको, ताकि आंदोलनकारियों को एक उसमें ना रहना पड़े भ्रम में। अभी सभी आंदोलनकारी भ्रमित हैं और सभी लोग दूर दूर से इकट्ठे हो चुके हैं और धीरे धीरे आ ही रहे हैं। समस्या आनी नहीं चाहिए थी। पहली बात तो यह है, हम जिस चीज़ से हम राज्य को बनाए, आज 23 वर्ष हो गए हैं और आंदोलनकारियों को सड़कों पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर थोड़ा सा सरकार की नीति में थोड़ा परिवर्तन आने की ज़रूरत है। मैं भले ही भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी पहले हूँ मैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो राज्य आंदोलनकारियों के साथ है। मैं उसके अंदर एक मैं खुद मिसाल बन सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी द्वारा मेरी दुकान को तोड़ दिया गया क्रॉस मॉल के सामने, और उसे जितना चिन्हित किया उसके बाद भी बनाने में उसमें असुविधा का सामना मुझे करना पड़ रहा है। बड़े मुश्किल से मैंने स्मार्ट सिटी से परमिशन ले ली और उसके बाद भी उसके अंदर तमाम परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। जो है सबसे पहले हमारा चिन्हीकरण है। चिन्हीकरण हमारा नहीं हो पाया है। ये चिन्हीकरण होना बहुत जरूरी है और हमको अगर चिन्हीकरण होगा, हमारी बहुत बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चली भी गई हैं और कगार में भी खड़ी जाने की, उनको एक फूल पुष्प और सम्मान चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। और हमारे मैं सभी भाई बंधुओं से यही कहना चाह रही हूँ कि आप पहले चिन्हीकरण का हम लोग करें। दूसरा मुद्दा है हमारा भू कानून। जहाँ हम रह रहे हैं हमें अधिकार नहीं मिले हुए, हमें वो अधिकार मिलने चाहिए। मुख्य है कि हमारी 4 मांगे हैं। एक पहली मांग जो हमारी है वो चिन्हीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। 22 साल पूरे हो चुके हैं, कल से 2300 साल शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि समान पेंशन, किसी को 6000, किसी को 4000, किसी को 8000, किसी को 10000, किसी को 15000, ऐसा क्यों हमारे क्यों बांटा जा रहा है हमको अलग अलग जगह? यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है और गलती है, इसके लिए एक समान पेंशन किया जाए। तीसरी मांग हमारी है भू कानून। आज पूरा उत्तराखंड के जल जितनी ज़मीनें हैं, सड़कों के बस ज़मीनें, चाहे टेहरी हो, उत्तरकाशी हो, चाहे पौड़ी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, नैनीताल हो, जगह जगह सड़कें बिक चुकी हैं। सड़कों की तरफ दोनों तरफ पहाड़ बिक चुके हैं, बाहर के लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया, भू माफियों ने कब्जा कर लिया। चौथी जो हमारी मांग है मूल निवास, मूल निवास हमारे पे उत्तर प्रदेश सरकार के टाइम पे हम लोग मूल निवासी थे और आज सरकार ने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने इनकम के लिए, अपने लोगों को लगाने के लिए उन्होंने इसको अस्थायी और अस्थायी दो किस्म के मूल निवास बना। और हम सड़कों में तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी। जय भारत, जय उत्तराखंड। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।